फाइनली हम पहुंच गए हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू अलायंस फ्रांस। यार अंग्रेजी ज्यादा ना हो गई। सो गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली लेट हो गया हूं, तो मुझे जल्दी निकलना है। और ये वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूं, तो चलता हूं। सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, अभी मजे करो, साथ में चलो। तो गाइस, मैं मेट्रो पहुंच चुका हूं और यहां पर हमें काफी सारे हमारे छपरी फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। यहां पर नहीं, मतलब थोड़ा सा आगे जाके कश्मीरी गेट पे। तो चलो चलते हैं गाइस। मैं कश्मीरी गेट मेट्रो पहुंच चुका हूं और मुझे बंदे दिख गए हैं। वो वाइट कैप में एक बंदा दिख रहा है तुम्हें, वो सारे छपरी जिनकी मैंने बात करी थी वो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं गाइस। और है ना, वो मुझे बहुत गाली सुनाने वाले हैं, इसीलिए मैं अब वीडियो काटने वाला हूँ, वीडियो काट दूंगा, ठीक है ना। ये देखो छपरी दिखा, एक तो छपरी है, एक ही लंबा छपरी। यो ब्रो, व्हाट्सअप। अभिषेक क्या हुआ अभिषेक? ओ गाइस, हम जोरबाग मेट्रो पहुंच चुके हैं। अब यहां से हम पैदल पैदल देखेंगे कितनी दूर है। बट ये क्या हो गया गाइस, बारिश हो रही है, सब लोग बंदे यहीं पे वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का। और सॉरी। सो गाइस, फाइनली हम लोगों को ऑटो मिल गया है जोरबाग से लोकेशन पे जाने के लिए। और आप देख सकते हैं एक ऑटो में 6 बंदे बैठ गए हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं, अब हम एंटर कर रहे हैं। चलो ले चलते हैं आपको। टुडे आई एम ग्लैड टू वेलकमिंग ऑल ऑफ यू for this special event and I am standing in front of you to deliver a very short speech in about MEI, that is microeconomic initiative about Care for Change. The training and development center, basically this is managed by young adult. We run this microeconomic activity in order to offer training to the community. The objective is to have positive impact on the community, raising awareness and knowledge to improve to the sustainable development of the area. In MEI, 4 training sessions. For first session, ecosystem. Ecosystem work mean do partnership for NGOs and companies. Second team, communication and marketing team. Communication team work make newsletter and any event time clip picture and post on social media. And third team, learning and development team. In learning and development team work, give training for community, English and computer. In train for change, give training English and computer for Wednesday and Thursday. Fourth team, HR and finance team. In HR and finance team work, online attendance and company visit, center visit, make diploma and ID card. नीरज जी, ये क्या चीज है, आप कृपया हिंदी में बोलिए क्योंकि हमारा चैनल जो है वो हिंदी में है। अच्छा ठीक है। तो ये एक ई डे प्रोग्राम है, मतलब एक एंटरप्राइज डे, जिसमें जो भी यूथ की ट्रेनिंग हो चुकी है आज वो आएंगे और अपना एक एनुअल डे बनाएंगे, खुशी से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इवेंट करेंगे। ठीक है। तो ये आप पानी गिलास में क्यों दे रहे हैं आप? ये पूरा पानी नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिक्स है, थोड़ा बहुत कुछ और तो मिक्स नहीं है इसमें, पीने के बाद इंसान में वॉशरूम जाना पड़ेगा। ओके ओके। ये देखिए गाइस, ये सारे के सारे फ्री का तोड़ रहे हैं, बस यही है, एक हिम्मत दिखा रहे हैं। बाकी सब लोगों ने अपनी शकल छुपा ली। कुछ बोल रहे थे आप गौरव जी? भाई साहब, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं भी अपना
तो सारे के सारे लगे हुए हैं इस समय फ्री का तोड़ने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। मान लेते हैं, ध्यान से देखो इस लड़के को। अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही कह रहा था कि ये सब गरीबों वाला खाना, ये सब मैं नहीं खाता। आप देखो वही ठंडे समोसे, ये देखो वही, कितने शौक से खा रहा भाई गरीबों वाला खाना। ये देखो इस भाई का रसगुल्ला खाया मैं, इसकी थाली में ये देखो रसगुल्ला इसने चोरी कर लिया। Control. यही नहीं, अभी और सुनिए। सोलो परफॉर्मर आरती, आरती here is one catalyst, so we can ask two questions to him. So first of all, can you please introduce yourself? For sure. So my name is Vincent, I am 27, I come from France, and as you say, I'm a catalyst, so it means I work as a volunteer. It's a synonym of it, but in my NGO we call it catalyst and not volunteer, but basically it's exactly the same job. Okay, cool. So what is LP4Y? Okay. So basically, LP4Y is a French NGO, international, that is present in 13 countries right away. So now we are here speaking from Delhi, which was one of the historical countries for LP4Y. So what we do basically is we are training some youth from slum areas to help them develop their skills in order to get professional integration and integration in society. That's it. Thank you so much for this information. Thank you, Nitin. सो गाइज, इवेंट खत्म हो चुका है, अब हम लोग घर घर खेल रहे हैं, अब हम घर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इन्फॉर्मेशन आपको दिलवा दी है मैंने, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा घर जाकर। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं मेट्रो, मेट्रो पकड़ के सीधा घर जाएंगे। एक मिनट, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं आपको बड़े यूट्यूबर कह रहा था भैया, प्लीज मेरा कैमरा होल्ड कर लो, दो मिनट के लिए मैं फोटो शूट करवाऊंगा, प्लीज रिकॉर्ड कर लेना प्लीज भैया। सो गाइस, हम घर जा रहे थे, बट ये कुछ चितकबरे छपरी लोगों को फोटोशूट करवाना है, जिसके लिए हमें रुकना पड़ा। तो पहले हम फोटोशूट करवा लें, उसके बाद चलते हैं। हे गाइस, सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, नींद आ रही है, पर मैं अपना वादा नहीं भूला हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैं दूंगा। वैसे तो विंसेंट ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर मैं आपको मोटा मोटा दोबारा समझाना चाह रहा हूँ। इस एनजीओ का नाम है LP4Y, पूरा नाम लाइव प्रोजेक्ट फॉर यूथ। बेसिकली ये एनजीओ काम करता है उन बच्चों पर जो डीमोटिवेट होते हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी होती है, या जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो सोचते हैं कि वो अच्छी जॉब कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, या उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको स्किल्स देते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स, जिसके बिहाफ पे वो अपना टैलेंट के दम पर एक अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि लाइक अपॉर्चुनिटीज़ है उन बच्चों के लिए जो बेचारे घर पर खाली बैठे हुए हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, इसे करें।
और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो यार, मजे करो, और कुछ नहीं तो अंग्रेज़ों से बातचीत बन जाएगी यार। बहुत सही है, ठीक है। अगर आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, पैसे ले लूँगा, थोड़े से दे दोगे वो बात अलग है, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।